Hello students, good morning and welcome to class 4th EVS. In today's class we do stage 2nd continue. 7th define doctor. A person who treats a sick people in hospital is called a doctor. एक पर्सन जो सिक पीपल्स का ट्रीटमेंट करते हैं हॉस्पिटल में उनको हम डॉक्टर कहते हैं. आई अगेन रिपीट, अ डॉक्टर, अ पर्सन हु ट्रीट्स ए सिक पीपल इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड अ डॉक्टर. देन 8th वन, नर्स, अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ द पेशेंट एंड गिव देम मेडिसिन इज कॉल्ड नर्स. एक पर्सन जो पेशेंट की टेक केयर करता है, उन्हें टाइम से मेडिसिन देता है, वही नर्स होता है. नर्स, ए पर्सन हु टेक केयर ऑफ द पेशेंट एंड गिव देम मेडिसिन इज कॉल्ड नर्स. नेक्स्ट, पायलट, अ पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन इज कॉल्ड अ पायलट. एक पर्सन जो एरोप्लेन को फ्लाई करता है वो एक पायलट होता है. पायलट, अ पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन इज कॉल्ड अ पायलट. नेक्स्ट, वॉशरमैन, ए पर्सन हु वॉशेस क्लोथ्स इज कॉल्ड वॉशरमैन. जो पर्सन कपड़े धोने का काम करता है वो वॉशरमैन होता है. ए पर्सन हु वॉशेस क्लोथ्स इज कॉल्ड वॉशरमैन. नेक्स्ट डिफाइन, इंजीनियर, अ पर्सन हु बिल्ड्स ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स इज कॉल्ड इंजीनियर. एक ऐसा पर्सन जो बिल्ड्स करता है बिल्डिंग और ब्रिजेस, उनको हम इंजीनियर कहते हैं. इंजीनियर, ए पर्सन हु बिल्ड ब्रिजेस एंड बिल्डिंग इज कॉल्ड इंजीनियर. 12th, वॉलेंट्री, ए पर्सन हु वर्क इन एनजीओस एंड डू नॉट अर्न मनी फ्रॉम द वर्क दे डू इज नॉन एज वॉलेंट्री. ऐसे पर्सन जो समाज सेवा करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं और वो कोई काम करते हैं, उसका पैसा नहीं लेते, उनको हम वॉलेंट्री कहते हैं. वो दूसरों की हेल्प करते हैं, वॉलेंट्री. ए पर्सन हु वर्क इन एनजीओस एंड डू नॉट अर्न मनी फ्रॉम द वर्क दे डू इज नॉन एज वॉलेंट्री. डू दीज डिफाइंस एंड लर्न देम, देन राइट इन योर नोटबुक. थैंक यू.